का दोस्तों, मैं दुर्गेश पांडे आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल चैलेंजर स्ट्रीम। दोस्तों आज हम आप लोगों को स्केल या पैमाना के बारे में बताएंगे। दोस्तों जो पैमाना या स्केल हमारी होती है इंजीनियरिंग लैंग्वेज में इसका बहुत बड़ा महत्व है। सबसे पहले हम जानते हैं पैमाने की डेफिनेशन। ठीक है दोस्तों, जो हमारी स्केल होती है दोस्तों, यह उपकरण या रूप होती है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु की जो वास्तविक रूपरेखा होती है उसे काल्पनिक रूपरेखा में प्रदर्शित करते हैं या काल्पनिक रूप में प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, दोस्तों इसके बाद होता है, इसमें आता है हमारा आरएफ। दोस्तों आरएफ जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। ठीक है दोस्तों, हिंदी में बोला जाता है निरूपक भिन्न। ठीक है दोस्तों, दोस्तों फिर आर्य आपका हमारा जो फार्मूला बनता है दोस्तों, इसी से इसका डिफिनेशन भी निकाल सकते हो। दोस्तों जो वस्तु की ड्राइंग में माप बटे वस्तु की वास्तविक माप। ठीक है दोस्तों, दोस्तों इसके बाद आता है हमारी टाइप्स ऑफ स्केल। दोस्तों जो हमारी स्केल होती है निम्नलिखित तीन प्रकार की होती है। ठीक है, नंबर एक होती है हमारी रिडक्शन स्केल। उसकी दोस्तों जो रिडक्शन स्केल होती है इसका रेशियो जो होता है, मतलब इसमें जो वस्तु की साइज ड्राइंग में ली जाती है हमेशा वस्तु की साइज से छोटी ली जाती है। ठीक है, कम ली जाएगी, इसका जो रेशियो बनेगा जैसे 1:20, मतलब 20 जो है हमारी वस्तु की साइज है और ड्राइंग में एक लिया गया है। ठीक है, इस रेशियो में लिया गया है। ठीक है, उसके बाद हमारी आती है दोस्तों इनलार्जिंग स्केल। दोस्तों जो इनलार्जिंग स्केल होती है हमारी, इसका रेशियो जो बनता है दोस्तों वस्तु की साइज से, जो ड्राइंग में साइज बनती है बड़ी बनती है। ठीक है दोस्तों, जैसे 20:1 दोस्तों, इसलिए कि इसमें जो हमारे पार्ट होते हैं या कंपोनेंट जिसकी ड्राइंग बनाई होती है बहुत छोटे होते हैं, तो इनके सारे टर्मोलॉजी या जो भी आए हैं ये हम दिखा नहीं सकते, इसलिए इसे हम ड्राइंग में बड़ा करके बनाते हैं। जैसे घड़ी के कलपुर्जे हैं, थ्रेड वगैरह को बनाना हुआ, तो इसलिए दोस्तों हम इनकी साइज को ड्राइंग में बड़ी लेते हैं, रियल में इनकी साइज छोटी होती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा आता है फुल स्केल। दोस्तों फुल स्केल जैसे नाम से ही पता चल रहा है, जो फुल स्केल होता है दोस्तों इसमें हम जो वस्तु की वास्तविक साइज होती है वही साइज हम ड्राइंग में भी लेते हैं, इसका रेशियो जो होता है 1:1 हमेशा रहेगा। ठीक है दोस्तों, दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल, मतलब पैमाने के विभिन्न प्रकार। ठीक है दोस्तों, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल। ठीक है दोस्तों, दोस्तों हमारी जो पैमाने होते हैं निम्नलिखित पांच प्रकार कहते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला आता है हमारा दोस्तों प्लेन स्केल। ठीक है, अब सेकंड नंबर पे आता है हमारा डायगोनल स्केल। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है मतलब प्लेन स्केल को साधारण स्केल बोलते हैं, पैमाना बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, हिंदी में पैमाना, और इसे विकर्ण पैमाना बोला जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों आता है वर्नियर जानते हो आप, वर्नियर स्केल, जैसे वर्नियर हमारा कैलिपर होता है ऐसे स्केल दो स्केलें बनाई जाती हैं, अब उसी के अनुसार इसकी माप निकाली जाती है। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद आता है हमारा चौथे नंबर पे कंपैरेटिव स्केल। दिखाई नहीं दे रहा क्या दोस्तों? ठीक है दोस्तों, इसके बाद नंबर पांच पे हमारा आता है दोस्तों कॉल्ड स्केल, इसे हम जीवा स्केल और कंपैरेटिव स्केल जो होती है तुलनात्मक स्केल कहलाती है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों हमारे जो कोर्स में जो इम्पोर्टेंट है, तो दोस्तों साधारण पैमाना और विकर्ण पैमाना जो है ये महत्वपूर्ण है, हम इसके बारे में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए हम साधारण पैमाना का एक आपको उदाहरण दिखा देते हैं। दोस्तों इसमें देखो, 1/500 मिलीमीटर का एक पैमाना 80 मीटर पढ़ने के लिए बनाइए एवं पैमाने पर 47 मीटर दूरी दर्शाइए। दोस्तों इसमें जो आरएफ है हमारा दिया हुआ है, तो दोस्तों सबसे पहले हम आरएफ लिख लेंगे। क्या लिखा है आरएफ हमारा? 1/500 मिलीमीटर। ठीक है दोस्तों, मिलीमीटर। अब उसके बाद दोस्तों इसमें क्या दिया है, मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्केल, मतलब अधिकतम कितने मीटर तक स्केल दिखानी है दोस्तों, तो हम लिखेंगे मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्केल दोस्तों कितना लिखा गया, 80 मीटर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा क्या है इसमें पैमानों को, सो लेंथ ऑफ स्केल कितनी करनी है, सो लेंथ करनी है दोस्तों 47 मीटर, इसमें 47 मीटर हमें लेंथ भी शो करनी है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों इसमें ये सारी चीजें हो जाने के बाद हमें निकालना होता है लेंथ ऑफ स्केल। ठीक है दोस्तों, तो हम इसका फार्मूला आपको बता देता हूँ, लेंथ ऑफ स्केल का फार्मूला होता है दोस्तों आरएफ इंटू मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्केल। ठीक है दोस्तों, तो आरएफ कितना है दोस्तों, 1/500।
ठीक है। और मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्केल कितनी है दोस्तों, 80 मीटर। पढ़ने के लिए दोस्तों इसमें जो है मीटर है, 80 मीटर जो स्केल हमारी बनती है दोस्तों। अगर हमारी स्केल जो है मीटर लगा हुआ है तो हमेशा सेंटीमीटर में बनेगी, ठीक है दोस्तों। अगर इंच है, फुट है, फीट मतलब फिलांग है, गज है, यार्ड है, जो भी कुछ है दोस्तों हिंदी इंग्लिश में जो भी रहे, तो हमेशा वो स्केल हमारी इंच में बनती है, ठीक है दोस्तों। इसमें मीटर है तो सेंटीमीटर में बनेगी। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है दोस्तों। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए हम 1/500 × 80 × 100 कर देंगे, ठीक है दोस्तों। सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा ये, तो 00 से 00 कट गया हमारा। फिर 5 × 5 हासिल लगा 3 आया, 5 × 3 मतलब 16 × 5 = 80 होता है, ठीक है दोस्तों। तो 5 से कट गया हमारा 80। तो हमारी जो स्केल की लेंथ आई दोस्तों 16 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। दोस्तों स्केल ड्रा करते हैं तो सबसे पहले हम 16 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचेंगे दोस्तों। हमारे पास जो स्केल है केवल 15 सेंटीमीटर का है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 15 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर और बढ़ा देंगे, ठीक है दोस्तों। तो हमारी ये 16 सेंटीमीटर की लाइन बन गई दोस्तों। इसके बाद हम इसे क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई 10 mm दोनों किनारे से ऊंचाई से उठा देंगे, ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये हमारा बन गया, फिर ऊपर से इसे हम पैक कर देंगे, ठीक है दोस्तों। देखो हमारी ये 16 सेंटीमीटर की लाइन हो गई, इसमें सो का इतना करना है हमें 80 मीटर दोस्तों। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एक न्यून कोण पे एक नीचे की तरफ एक लाइन डालेंगे, ठीक है दोस्तों। अब इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, इस लाइन को हम 80 है देखो दोस्तों, तो 80 को हम कितने में डिवाइड करें कि हमारा जो स्केल बनाना है वो एडजस्ट हो जाए। तो दोस्तों 80 को अगर हम 8 भागों में करते हैं 10 10 किलोमीटर के, तो 8 भाग हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस कंपास लेंगे, प्रकार में कोई भी दूरी भरेंगे और 8 त्रिज्या इस लाइन पे मतलब इसी त्रिज्या से आर्क लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। दोस्तों इस तरह हमने 8 चाप लगा लिया, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके पैरेलल इसके एंड से, इसके लास्ट वाले पॉइंट से और लास्ट वाले हमारा जो आर्क लगाया, ठीक है, इससे हम एक लाइन डालेंगे, ठीक है दोस्तों। अब इसी के पैरेलल हम आगे जितने भी हमारे चाप लगे हुए हैं सबसे ऊपर तक लाइन ले जाएंगे, ठीक है, जो 16 सेंटीमीटर की हमारी लाइन है, इसको मिलाते हुए चले जाएंगे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम इस लाइन को लंबे रूप में कर देंगे और सारी लाइनों को हम ऐसे 8 कर देंगे। इसके बाद दोस्तों हम इसके इस पे क्या करेंगे, नंबर डाल देंगे, कितना, पहले 0 से चालू करेंगे दोस्तों। ये 0 से क्यों चालू होता है, ये आप लोग सोच रहे होंगे कि जब 8 खाने बनाने हैं तो 0 यहाँ से भी कर सकते दोस्तों। इसमें क्या करना है, हमें 4700 करना है। इसके लिए हमें 2 स्केल बनानी पड़ेगी, एक प्राइमरी स्केल है, सेकेंडरी स्केल है, ठीक है दोस्तों, जिसमें हम फिर इसका सब डिवीजन करेंगे। इसको पहले हम 8 डिवीजन में बांट दिए, ठीक है दोस्तों, 8 डिवीजन किए। इसके बाद इसमें फिर एक भाग को हमें सब डिवीजन में बांटना है, जिसके हमें मतलब 7 वाला 100 कर सकें, ठीक है दोस्तों। तो हम यहाँ 0 से चालू करेंगे। एक खाने का मान कितना है दोस्तों, एक खाने का मान है 10 मीटर, ठीक है दोस्तों। 0 के बाद फिर आएगा हमारा 10 20 30 40 50 60, ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहां से देखो 10 20 30 40 50 60 दोस्तों एक लाइन। दोस्तों हमने आर्क लगाते समय इसमें 7 ही आर्क लगाए थे, 8 लगाना था इसलिए थोड़ा कम हुआ था, मैंने एक खाना बढ़ा दिया क्योंकि वीडियो फिर से बनाना पड़ता है। तो दोस्तों 60 के बाद क्या आएगा, यहाँ पे हम 70 कर दिए, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अब इस स्केल में हमें अगर बनाना 4700 को जो करना है 47 करना है, ठीक है दोस्तों, 4700 करना है। अगर हम देखो 10 20 30 40 तक तो 100 कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद 7 जो करना है, हम प्राइमरी स्केल से सेकेंडरी स्केल में जाएंगे। अब 7 इसमें कहाँ है, ये तो 10 का मतलब 10 मीटर दिखा रहा है, इसमें 7 मीटर दिखाने के लिए मतलब इसको अगर हम 1 1 किलोमीटर का इसको 10 भागों में बांट दें तो इसमें दिखाया जा सकता है। तो हम सेकेंडरी स्केल का यूज करेंगे, ठीक है दोस्तों। इसमें फिर से एक हम क्या करेंगे, न्यून कोण पे एक रेखा और डालेंगे, ठीक है दोस्तों। इसको बराबर 10 भागों में हम बांटेंगे इस लाइन को, ठीक है दोस्तों। फिर से वही प्रक्रिया कंपास से, ठीक है, एक कोई भी दूरी ले लो जो एडजस्ट हो जाए, ठीक है दोस्तों। दोस्तों इस तरह हमने बना लिया, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, फिर से वैसे जो इसका लास्ट 0 है इससे, ठीक है दोस्तों, हम मैच करा देंगे इसको। फिर इसी के पैरेलल सारी लाइनें करते हुए चले जाएंगे, ठीक है दोस्तों। हमें थोड़ी जल्दी बनाना है, वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए दोस्तों, इसलिए थोड़ा तेज बनाना पड़ रहा है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों फिर उसके बाद हम यहाँ 0 है, 0 से चलेंगे। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7
आठ नौ दस, आपके पास दोस्त पूरे हैं ठीक है। अब उसके बाद हमें देख दोस्तों क्या शो करना था, 40 और 47 ना, 40 हमारा यहाँ है, फिर हम इसमें सात चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 6 और 7, तो 7 वाला जो है इस पॉइंट को हम आगे, वैसे दोस्तों इसके भी पहले हम सारी लाइनों को लंबे मिला लेते हैं ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद इसमें 7 पे हमें आगे बढ़ना है इससे, और 7 वाला जो है इसे हम हल्की लाइन करके ऊपर इसे डार्क कर लेंगे ठीक है दोस्तों। फिर इसमें फिर 4 वाले पे, 4 वाले दोस्तों जगह थोड़ा कम पड़ रहा है यहाँ ऊपर ठीक है, हम यहीं पे कर लेंगे, या तो इसे हम नीचे भी दिखा सकते हैं चाहे तो, हाँ तो हम नीचे ही दिखा देते हैं ठीक है दोस्तों। डॉटेड डॉटेड लाएंगे और जहाँ जगह होगी यहाँ ठीक है दोस्तों। और इसके बाद इसको यहाँ से डॉटेड डॉटेड लाएंगे, ऊपर भी दिखा सकते हैं दोस्तों, यहाँ भी दिखा सकते हैं कोई नहीं। तो इसके बाद यहाँ पे लिख सकते हैं हम कितना था दोस्तों, 47 मीटर। तो दोस्तों हमारी ये प्लेन स्केल बनके तैयार हुई जो हमें लेंथ शो करना था ठीक है दोस्तों। दोस्तों ए जो है हमारा 10 मीटर दिखा रहा है ठीक है, ए वाली जो हमारी स्केल दोबारा सेकेंडरी स्केल जो बनाई गई है 1 मीटर का गैप दिखा रहा है ठीक है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।